हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इनिशियल स्टेज की वीबीए प्रोग्रामिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे की जाए, शुरुआत अगर करनी है तो इस तरह का एक प्रोग्रामिंग मैंने एक्सेल में भी करके दिखाया था, शुरुआत वहीं से की थी वीबीए की। तो एक्सेस में भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बटन मैंने बनाया है, तो फाइल पर चलता हूँ, एक नया फाइल मैं ले लेता हूँ और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट आ जाएगा, क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। तो क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको ऑफ कर देंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें अभी फॉर्म बनाना है। तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ से इसे डिजाइन व्यू पे मैं ले लेता हूँ। डिजाइन व्यू पे ले लिया। अब चूंकि हमें यहाँ पर बटन बनाना है तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये बटन आपको दिखाई पड़ेगा, इस पे क्लिक करिए और क्लिक करके यहाँ पर आप करवा दीजिए इसको ड्रैग। इस तरीके से ये ड्रैग करवा दिया हमने तो देखेंगे कि बटन विजर्ड ओपन हो गया है। अब इस बटन विजर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं, तो यहां से हमने कर दिया इसको कैंसिल और यहां पर इसको सिलेक्शन में लेकर के और डिलीट कर दिया, हटा दिया, बैक स्पेस की प्रेस करके इसको हटा दिया। और अब इसका हमको कलर चेंज करना, ये जो बटन हमने बनाया इसका कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर हम रेड रख लेते हैं और यहां पर कलर मैं कर देता हूं ये वाला कलर, इस तरह का कलर मैं कर देता हूं। अब यहां पर हमें कुछ लिखना है, लाइक ये बटन मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहां लिख देता हूं माय बटन, ठीक है, ये लिख दिया हमने। आप कुछ भी दे सकते हैं और यहां पर इसको सिलेक्शन में ले लीजिए इस तरीके से। सिलेक्शन में लेने के बाद यहां बोल्ड बना देता हूं इसे और अब इसकी साइज भी बढ़ा देता हूं यहां से, ठीक है। तो इसकी साइज मैंने बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब यहां से हमें क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है तो ये बटन इस तरह से आ जाएगा, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। काम करे इसके लिए हमें करनी होगी इसमें प्रोग्रामिंग। तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते ही ये बड़ी सी विंडो ओपन होगी। अब इसमें हमें करना क्या है, बिल्ट इवेंट पे जाना है। ये बिल्ट इवेंट पे जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन इसमें नजर आ जाते हैं, पहला है मैक्रो बिल्डर, दूसरा है आपका एक्सप्रेशन बिल्डर और तीसरा है कोड बिल्डर। तो कोड बिल्डर पर चलना है हमें, ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां करना क्या है, यहां पर आपको टाइप करना है एमएसजी बॉक्स, क्या टाइप करना है एमएसजी बॉक्स, ठीक है। और यहां पर गैप दे करके और डबलेटेड कॉमा में टाइप करना है हेलो, तो यहां पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए ये हेलो हमने टाइप कर दिया, अब इसको सेव कर दीजिए, ये सेव कर रहा हूं मैं HELLO, हेलो के नाम से इसे सेव कर देता हूं, ये काम हो गया है। अब यहां पर अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहां पर व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, व्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको हेलो वर्ड यहां पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ इसमें और चेंजिंग करते हैं, यहां पर डिजाइन व्यू पे आता हूं, वापस से राइट क्लिक करता हूं, फिर बिल्ट इवेंट पे चलते हैं। अब यहां पर हमने हेलो वर्ड प्रिंट कराया, हम चाहते हैं कि हेलो वर्ड के अलावा भी, मतलब हेलो वर्ड तो प्रिंट हो ही, इसके अलावा भी हमारा नाम प्रिंट हो जाए। तो यहां पे डबल टेड कोर्ट्स में अपना नाम मैं लिख देता हूं, तो ये लिख देता हूं सूरज सर, इस तरीके से लिख दिया हमने और क्लोज कर दिया डबल टेड कोर्ट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है और यहां से इसको क्लोज करना है। अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहां जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको हेलो वर्ड दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद फिर ओके प्रेस करेंगे तो आपको सूरज सर भी दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, इनिशियल स्टेज की प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।